मुरैना रेलवे स्टेशन पर आधी रात बिताने के बाद पान सिंह तोमर का गांव घूमने के बाद और सिंघोनिया में तोमर घाल की मशहूर घोटा सब्जी में पूड़ी और समोसे डुबो डुबो कर खाने के बाद अब बारी थी ककन मठ घूमने की। ककन मठ एक ऐतिहासिक मंदिर है। ककनमठ मंदिर मुरैना जिले में गुर्जर प्रतिहार शैली का एक अनोखा मंदिर है। मुरैना जिले में गुर्जर प्रतिहार शैली में कई अनोखे मंदिरों का निर्माण किया गया था। इसमें बटेश्वरा के मंदिर, 64 योगिनी मंदिर और ककनमठ मंदिर है। ये जो मंदिर है आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर कोई भी पक्का जोड़ नहीं है। ये देखिए ये रखा गया है, एक के ऊपर एक रखा गया है। और इस मंदिर के निर्माण में कहीं पर भी चूने और गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सदियों पहले किस तरह से इसको रखा गया होगा पक्की जोड़ के बिना, और कितना मजबूत यह खंड होगा, कितना भारी खंड होगा। ये चट्टान में दरार आ रही है, लेकिन ये मंदिर इसी तरह से पूरा बुनियाद से लेकर अपने आरंभ से लेकर अपने शीर्ष तक यह मंदिर इसी तरह बनाया गया है, और इसमें कहीं भी आपको पक्का जो है वो जोड़ नहीं मिलेगा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म देवस्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं नीरं हिदाकाहमागासवासं भजेयम्। बुनियादी जो जानकारी है वह दी गई है। यह राष्ट्रीय संरक्षित इमारत है, स्मारक है। यह स्मारक सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। और भी कई बातें हैं, ये जानकारी यहाँ की हिंदी में दी गई है, और यहाँ पर ये अंग्रेजी में है। मौसम की मार से यहाँ बने छोटे छोटे कई मंदिर नष्ट हो चुके हैं। मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कछवाह वंश के राजा कीर्तिराज ने करवाया था। उनकी रानी ककनावती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हीं के कहने पर इसका नाम ककनमठ रखा गया। यह मंदिर उत्तर भारतीय शैली में बनाया गया है। उत्तर भारतीय शैली को नागर शैली के नाम से भी जाना जाता है। 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान मंदिरों का निर्माण नागर शैली में ही किया जाता रहा है, और ककनमठ इस शैली का बेहतरीन नमूना है। ये इसमें चोट आई है बाद में, लेकिन इसको देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कोई जोड़ नहीं है। ये शिव जी का मंदिर है, कोई भी पक्का जोड़ कहीं भी नहीं है। वो मुख जो है वो टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त है ये जो मुख है इस कलाकृति का। और ऊपर देखिए आप, आहा क्या नज़ारा है, कितनी सदियों पुरानी ये कारीगरी है। यहाँ भी मुख क्षतिग्रस्त हैं, जितने भी हम देख रहे हैं सबके मुख को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अब ये क्यों किया गया है, कब हुआ, ये तो हम वजह नहीं जान पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए छोटे जो चेहरे हैं, आकृतियाँ हैं, उनके भी मुख को नहीं बख्शा गया है, उनका भी मुख क्षतिग्रस्त किया गया है। और 11वीं सदी का मंदिर है, देखिए 11वीं सदी का मंदिर है। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि एक रात में भूतों ने इस मंदिर का निर्माण किया था, ऐसी किंवदंतियां मशहूर हैं। लेकिन इसे बनाते बनाते सुबह हो गई और भूतों को काम अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। आज भी इस मंदिर को देखने पर यही लगता है कि इसका निर्माण अधूरा रह गया था। मौजूदा वक्त में यह ASI की देखरेख में है। अधिकारियों को डर है कि अगर इस मंदिर में जरा भी बदलाव करने की कोशिश की गई तो यह गिर सकता है, क्योंकि इसके पत्थर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ककनमठ मंदिर को दूर से देखने पर डर का एहसास होता है, लेकिन पास जाने पर इसकी भव्यता, खूबसूरती, मजबूती और बैलेंसिंग देखते ही बनती है। किस तरह से इसको टिकाया गया है, ये भी कमाल की कारीगरी है। ये देखिए यहाँ से पानी कभी आता होगा, ये भी कोई एक विज्ञान और इंजीनियरिंग के तरह से इसको बनाया गया था। पानी गिरता होगा इसमें और यहाँ से ये जल निकलता होगा नीचे। जितने भी आपको दिख रहे हैं सबके मुख देखिए क्षतिग्रस्त हैं। आप यहाँ देखिए, इधर देखिए, ये देखिए लाइन से हैं, एक कतार में हैं, और सभी के चेहरों को
जो है वो क्षतिग्रस्त किया गया है, और ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर किसी ने ऐसा किया है। बट क्या मिलता है ऐसा करके लोगों को, ये मुझे समझ नहीं आता है कि मूर्तियों ने आपका क्या बिगाड़ा है, इस इतिहास ने आपका क्या बिगाड़ा है। देखिए ये देखिए दोस्तों, अद्भुत कमाल है, जिसने बनाया था उसको मेरा कोटि कोटि नमन है। आज मैं दिल से सलाम करता हूँ उस शासक को जिसने इसको बनाया। देखिए क्या सोच के उसने बनाया होगा, धर्म को किस रूप में, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ देखें, उसके समर्पण भाव को देख पाएं लोग। यहाँ एक मुख है जो सही सलामत है, ये दिखा है, ये मुख है जो आपको आकृति है वो एकदम सही आकार में दिख रही है। ये देखिए सिर्फ एक दिखी है, बाकी हाँ ये देखिए छोटा जो आकार है वो तो सही है ठीक है। और जो बड़ी बड़ी मूर्ति है यहाँ पर, उसका भी देखिए चेहरा बिगाड़ा गया है, चेहरा उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और इस पूरे परिसर में जो खम्भे हैं इस फ्लोर पे वो 56 हैं। लोग हालांकि कहते हैं कि कई लोग इनको गिन नहीं पाते हैं तो हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बट मैंने 3-4 लोगों से कन्फर्म किया और मैंने भी गिना तो 56 ही खम्भे निकले हैं पूरे। और कमाल की बात है, कमाल कमाल है दोस्तों, कमाल अद्भुत। दोस्तों ये भी शिलाएं हैं मंदिर के अलग अलग हिस्सों की जो यहाँ रखी गई हैं, एक तरफ इस पूरे परिसर के अंदर ही हैं। लोगों ने देखिए ऊपर भी मैंने देखा एक जगह, देखिए वहाँ पे जो दरवाज़ा बना हुआ है उसके नीचे, तो लोगों ने अपने मतलब आस्थाएं होती हैं, उन आस्थाओं के हिसाब से लोग चलते हैं। और लोगों का मानना है कि ये बनाने से कुछ लोग कहते हैं संतान की प्राप्ति होती है, कुछ कहते हैं कि घर बनता है, तो जिसकी जैसी आस्था है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। बट ये कमाल की चीज़ है जो मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूँ, ये अद्भुत है, इसकी किसका कोई मतलब मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं कैसे इसकी खूबसूरती को बयां करूँ, किस तरह से इसको बनाया गया होगा। दोस्तों अब मैं सिंघोनिया जी में एक जैन मंदिर है, उस जैन मंदिर में आ गया हूँ, और ये जो 16वें तीर्थंकर थे उनके ऊपर केंद्रित है। चलिए इस मंदिर की कहानी जानते हैं, इतिहास जानते हैं, यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आम टूरिस्ट के लिए वो जानते हैं, और इसकी छोटी सी यात्रा करते हैं। आइए देखते हैं क्या जानकारी हमें यहाँ के बारे में मिल पाती है। दोस्तों हम इस जैन मंदिर में हैं और हम बात करते हैं आयुष जैन जी से जो यहाँ के मैनेजर हैं। वो हमें बताएंगे कि इस मंदिर की इम्पोर्टेंस क्या है, हिस्ट्री क्या है, और यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, कर सकते हैं। आयुष जी प्लीज़ स्वागत है आपका ट्रैवल जुनून में। धन्यवाद। हाँ देखिए ये जो क्षेत्र है सिंघोनिया जी, हाँ ये 1937 में यहाँ एक ब्रह्मचारी जी रहते थे, गुमानी लाल उनका नाम था, उनको स्वप्न आया था इस जगह में, जिस जगह में प्रतिमा जी विराजमान है इस जगह में भगवान का सपना आता था जी, तो उन्होंने समाज को एकत्रित करके यहाँ पे खुदाई करवाई, तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त हुई जी। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रतिमा उसी जगह विराजमान है जिस जगह से निकली थी जी। उसके बाद 2003 में यहाँ के मुरैना के व्यापारी सोनू जी, आशीष जैन सोनू जी ने ट्रस्ट से जुड़े, फिर उसके बाद काम चालू कराया, तो उसके बाद पूरा क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ जी। केवल पहले जब बहुत पहले से मंदिर था, उसके अलावा पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, कुछ भी नहीं था इस जगह जी, में जी। तो सोनू भैया के आने के बाद से सारी व्यवस्थाएं बनी हैं, उसके बाद सारी चीज़ डेवलप हुई है। यहाँ पे बेसिकली दूर दूर तक कोई भी जैसे जैन यात्री आता है तो उनके लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, तो अतिशय क्षेत्र सिंघोनिया जी के द्वारा धर्मशाला, भोजन हेतु भोजनशाला एवं बहुत ही मनोहारी गार्डन कमल मंदिर का निर्माण कराया गया, और अभी मानस्थम का निर्माण कार्य चल ही रहे जी, जो कि संभवतः 2022 में संपन्न हो सकता है जी। वो सिंघोनिया जो ये कस्बा है इसको जी क्यों, आपने कोई शख्स थे जो गुरु थे आपके सिंघोनिया उनके नाम पर पड़ा है? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि ये जो क्षेत्र है, जैसे
ये जो जगह पे मूर्ति निकली है प्रतिमा पवित्र हो गई वो जगह, ये जगह पवित्र हो गई जी, तो इसलिए इस जगह के नाम के पीछे जी लगाते हैं जी, जी, आदर के लिए, आदर के लिए कि भगवान इस जगह पर विराजमान है तो भगवान का आदर करते हैं, इसलिए क्षेत्र का नाम सिमरिया जी नाम से रखा गया। अच्छा आपने एक चीज बताई कि यात्रियों के लिए यहाँ पे मतलब स्टे भी है, तो क्या सिर्फ जैन तीर्थयात्रियों के लिए या सभी जातियों के लिए सभी धर्मों के लिए? नहीं ऐसे तो जैनों के लिए ही स्पेशल, जैसे कोई अगर यात्री स्पेशल बाहर से आता है दर्शन करने के लिए, सिर्फ स्पेशल दर्शन करने के लिए आता है तो उनके लिए भी व्यवस्था है जी, मतलब वो भी रुक सकते हैं। और क्या क्या है मतलब यहाँ पे रेस्टोरेंट है बढ़िया, मैं देख रहा हूँ रेस्टोरेंट या कैंटीन बना हुआ है, भोजनशाला बनी हुई है खाने के लिए, एकदम सात्विक भोजन रहता है साधारण, ज्यादा धूमधड़ाका नहीं रहता उसमें, तो जैनी जो भोजन होता है। इसके अलावा गार्डन है घूमने के लिए, मंदिर बने हुए हैं, मंदिर दो है, दो मंदिर मैं देख रहा हूँ, दो मंदिर, तो एक तो कमल मंदिर है एक शांतिनाथ मंदिर है, दोनों में भगवान यहाँ पे शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, हरानाथ भगवान विराजमान है। ठीक है, वहाँ पे नीचे जो चैत्यालय बना हुआ है वहाँ पे भी शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है जी, बाकी जो ऊपर मंदिर का भी निर्माण काल चल रहा है वहाँ पे चंद्र प्रभु भगवान विराजमान है जी, और यहाँ सामने समोसरण चौबीसी बनी हुई है। बहुत भूख लगी थी और आज शरीर में पानी की भी कमी हो गई थी, तो इनका जो भोजनालय है इस जैन मंदिर के अंदर मैं वहाँ गया, मैंने उनसे पूछा कुछ खाने के लिए है और क्या खाना खिलाया उन्होंने, अद्भुत भोजन था, सात्विक भोजन, दाल भिंडी की सब्जी। और एक अहम मोड़ ये आया, हालांकि जब मैंने पैसे देने की कोशिश की तो उन्होंने पैसे मुझसे लिए ही नहीं, और मैंने ज़बरदस्ती की तब भी उन्होंने नहीं लिए, बोले कि संस्था का है तो इसके लिए उन्होंने पैसे नहीं लिए मुझसे, बाकी जब चैनल मेरा देखा तो उन्होंने उनकी जो खुशी थी दोगुनी हो गई मुझसे मिलने के बाद। तो ये कहानी है छोटी सी दोस्तों, ककनमठ का ऐतिहासिक शिव मंदिर दिखाया मैंने आपको, ये जैन तीर्थ क्षेत्र दिखाया। इसके बाद जो मेरा पहला दिन है मुरैना में उसका द एंड हो रहा है, मैं वापस अपने जो स्टे है जो मैं जहाँ मैं रुका हुआ हूँ वहाँ मैं निकल रहा हूँ, और इसके लिए मुझे सिंघोनिया से बस मिलेगी और बस मुझे 1 से 1.5 घंटे में मुरैना पहुँचाएगी।